हेलो जी, रमज़ान का महीना आने वाला है तो मटन के साथ आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बिरयानी की रेसिपी जो कि है दूध वाली बिरयानी। तो आइए बनाते हैं। उसके लिए लेंगे एक मिक्सर जार, उसके अंदर 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 अदरक की गांठ, 3 हरी मिर्चों को तोड़ के, ये इसका एक दरदरा पेस्ट। आपको इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट हमें कुछ इसी तरीके से बनाना है। 1/2 किलो मटन, हमने रिब्स के पीस लिए हैं और थोड़े बड़े पीस ही रखिएगा, जब भी बिरयानी के अंदर मज़ा आता है। उसी के साथ ये आ गया अदरक लहसुन हरी मिर्चों का दरदरा पेस्ट। जो साथ में आएंगे ये कुछ खड़े मसाले, 3 हरी इलायची हाथ से खोल के, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 2 इंच दालचीनी, ये हमें ऐड कर देनी है। आप इसके अंदर स्टार फूल भी डाल सकते हैं। ये 200 ग्राम प्याज को हमने स्लाइस कर लिया था और अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ये आ गया 150 ml ऑयल। अब आपको एक बार अच्छे से मिक्स दे देना है। अब इसे ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का समय हो गया है और ये देखिए प्याज ने हल्का कलर बदल लिया है। इसी स्टेज पे ऐड करेंगे थोड़ा नमक, देंगे एक मिक्स और वापस से ढककर पकाएंगे 1/2 घंटे के लिए। ये पूरा 1/2 घंटा हो गया है और हमने इसे बीच में लगभग 4 से 5 बार चलाया था। दूध वाली बिरयानी है तो 1/2 किलो फैट वाले मटन के साथ हमने ये ले लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। आपको गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मटन की, क्योंकि मटन अच्छे से भुन चुका है हमारा। अब वापस से हाई फ्लेम करेंगे और आने देंगे इसको एक बॉईल पे। दूध में अच्छा बॉईल आ चुका है और इसी स्टेज पे ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देंगे एक मिक्स और यहीं आ गया हमारा 150 ग्राम फैटा हुआ दही। आपको फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है क्योंकि दही जो है वो हमारा फट सकता है। और अब एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें इसे मिक्स करना है और अब रख देंगे इसे ढक के लगभग 15 से 20 मिनट या जब तक हमारा दही और दूध बिल्कुल सूख ना जाए। पूरे 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देखिए कि ये बिल्कुल जो हमारी ग्रेवी है थिक हो चुकी है। यहीं पर हम डाल देंगे कुछ पुदीने के पत्ते और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और आइए अब बना लेते हैं बिरयानी का स्पेशल मसाला, हैदराबादी दूध बिरयानी के लिए मसाला। 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का, 1 ही बड़ा चम्मच जीरे का, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 छोटी इलायची को हाथ से खोल लिया है, 8 से 10 काली मिर्च, 5 से 7 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, धुआं आ गया है। इनको एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा करेंगे और बनाएंगे इसका एक फाइन पाउडर। ये हमने एक बड़ी लगन ले ली है, आपको ऐसे ही बड़ी देग या लगन में या बड़े पतीले में जिसमें चावल आपका खिला हुआ बने ऐसे बनाना है। पानी में बॉईल आने देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर कुछ धनिया की जड़, 3 से 4 हरी मिर्चें स्लिट करी हुई, ये आ गए कुछ धनिया के पत्ते, इसमें बॉईल आने देंगे। और जैसे हम आपको हर बार बताते हैं चावल हमारा एक्स्ट्रा सॉल्टी होना चाहिए, तो 2 बड़े चम्मच नमक, उससे चावल हमारा एकदम खिला हुआ बनता है। पानी हमारा बॉईल पे आ गया है और ये हमने 400 ग्राम बासमती राइस ले लिए थे। आपको पानी से निकाल के सारे राइस अपने पतीले में छोड़ देने हैं। एक बार हल्का सा मिक्स देना है, बड़े ही हल्के हाथ से, वरना आपका चावल टूट सकता है। और इसे बॉईल पे आने देंगे। ये देखिए चावल जो हैं वो हमारे 50% तक डन है और आप देख सकते हैं एक एक चावल खिला हुआ है बिल्कुल। आपको चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, बाकी जो चावल है वो पकेगा दम के अंदर। और आइए लेयरिंग कर लेते हैं। ये हमारा मटन है, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे अपना 1 बड़ा चम्मच बिरयानी का जो मसाला बनाया था हमने स्पेशल। आएंगे चावल, चावल को आपको बड़े ही हल्के हाथ से लेयर करना है चारों तरफ। हमारी चावल की लेयर आ गई है, अच्छे से आपको चारों तरफ चावल को स्प्रेड करना है। इसी के साथ हम ले लेंगे भुने हुए प्याज बरिस्ता, हाथ से क्रश करके अपनी बिरयानी की लेयर के ऊपर पूरे पे डाल देंगे। बिरयानी तो जी बरिस्ता के बिना अधूरी है। ये आ गए कुछ धनिया पत्ता जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था, उसको स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ। और ये आएगा जी थोड़ा ऑयल, इससे हमारे चावल जो हैं वो मॉइस्ट रहेंगे और बड़ा ही मज़ा आएगा बिरयानी खाने का। अब हमने एक मोटी तली का तवा ले लिया है, आपको तवे के ऊपर ही दम लगाना है क्योंकि डायरेक्ट हीट से हमारा मटन जल सकता है। और अब इसे बंद करेंगे इसी भारी बर्तन से, लगभग 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको दम लगाना है। ये पूरे 20 मिनट हो गए हैं और हमारे बिरयानी दम पे है।
फ्लेम को ऑफ करके हमने 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब आइए एक बार चेक करते हैं क्या हाल है बिरयानी का। वाह जी वाह, ये देखिए ये देखिए, बिरयानी को हम नीचे से काटेंगे और आप देखेंगे कि एकदम खिली हुई मज़ेदार दूध वाली मटन बिरयानी जो हैदराबाद स्टाइल की है वो बनके तैयार हो जाएगी। और जी टेस्ट की गारंटी मैं देता हूँ कि मज़ा आ जाएगा ये बिरयानी खा के। आज हमने आपको बना के दिखाई है रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में दूध वाली बिरयानी जो कि आती है हैदराबाद से। एकदम खिला खिला चावल है, मटन अच्छे से पका हुआ है। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं @wannabefoodie69 पर। और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।